अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं ब्लॉग बनाने में, और मेरे ख्याल में कोई भाई था तो कह रहा था लेट नाइट रात की रूटीन वगैरह दिखाएँ, तो रात की रूटीन जो है ना काफ़ी मरतबा हम लोग पुराने ब्लॉगों में जो है ना शेयर कर चुके हैं, तो आपको देख रहे हैं तो पीछे भी जाके पुरानी वीडियो ऑयल गोल्ड में जाके देख लो। तो आज देर क्यों हुई है और किस लिए हुई है? सो आज वो माशाल्लाह आज का दिन जो है ना बाबरकत था और माशाल्लाह बहुत अच्छा गया, प्यारा गया, और आज यानी कि 12 रुपये अल्लाह की खराय थी, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ गए और मिलाद वगैरह सुना माशाल्लाह, वहाँ खाना वगैरह खाया, और जितने मतलब के पूरे रिश्तेदार थे टोटली सारे जमा थे। यकीन कीजिए इंसान गांव में पंजाब में होता है ना तो टाइम भी होता है, रिश्तेदारों के पास जाता है और जो है ना उनके बच्चों की इंसान को मालूमात होती है कि मामू के बेटे के बच्चे कितने हैं और मामू की बेटी के कितना है, और यही कि कज़नों के कितने बच्चे हैं, ये सब चीज़ों का उनको हमें पता होता है। और कराची में आके ऐसा हो गया है कि हर कोई दूर दूर जाके बैठा है, किसी के बच्चों का कोई नहीं पता, पता कि हमारे सामने ही से रिश्तेदारों के बच्चे गुजर जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे रिश्तेदार के जो है ना यानी कि बच्चे जा रहे हैं। तो आज मुझे बहुत हंसी आ रही थी, आज से 2.5 साल पहले जो है ना मैं अपने भतीजे की जो है ना बेटी जो है ना छोड़ के गया था, वो आसिफ के बराबर थे, आज जब उससे मुलाकात हुई है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बेटी के बराबर ही और इससे भी ज़्यादा बड़ी लग रही थी, तो मुझे बोला कि उसकी बेटी है। तो यानी कि इन 2 सालों के अंदर जो है ना इतना काफ़ी ज़्यादा यानी कि चेंजिंग आई है 2-2.5 सालों में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो बस यही होता है इंसान खुशी या गम के टाइम पे जो है ना इंसान सारे इकट्ठा होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई, मामू से मुलाकात हुई, मामू के बेटे थे, मामू की बहू से, खाला के बेटे थे, खाला की बीवी, खाला के बच्चे, आल फैमिली से मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा गुजरा दिन। तो बेटा अब तुम्हारी अम्मी चाय बनाएगी या तुम बनाओगी? तुम तो थक चुकी हो, तुम कह रही हो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। अम्मी कहाँ बनाएंगी, वो तो उधर भी सोई पड़ी थी। सच परवीन, उठ जाओ ना, चाय बना लो। हाँ क्यों नहीं बन रही, हड्डियां तो नहीं गलानी परवीन? तो तुम गला लो ना, मैं को थक चुका हूँ तुमसे ज्यादा। आ जाओ परवीन, आ जाओ। जी तबीयत ठीक है, मुझे नहीं पता परवीन कितने कप लोग चाय बनाते हो, बनाना है तो बना लो नहीं तो मैं खुद भी बैठ। ठीक है मैं बनाती हूँ, तुम्हारी अम्मी बना लेती है बेटा, साथ साथ वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। मैं तो बैठ रहा हूँ, मेरे खुद यकीन कोई हालत बहुत, मैं बस देख ची दिखा दूंगी, और मुझे मेडिसिन वगैरह भी दे दो रात वाली, जिस समय मैं खा दूंगी। अम्मी को बोल दो अम्मी दे देगी, मैं चाय बना रही हूँ। परवीन मेरी मेडिसिन तो ले आओ, इतनी भी ताकत है ना तुम्हारे पास, देखो ये भी ताकत है उसके पास मेडिसिन की, थी चलो बेटा मैं खुद ही खा लूँ। बाहर रबी लवल का दिन है और गैस नहीं है, टाइम क्या है, बस गैस गया, पहले बना लेते सही था। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, तुम्हें भूख लग रही है? वालेकुम अस्सलाम। खाना नहीं खाया था उधर? नहीं आज जी है, आकिब जो है ना रास्ते में जो है ना सो गया है, और अरम भी बेचारा रास्ते में जो है ना सो गया है, और हम लोग अपने बड़े भाई के घर में भी गए थे, भाभी की भी तबीयत वगैरह ख़राब थी, उससे भी मुलाकात की, और वो बच्चे का जो जिक्र करता था उससे भी पूछा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि कमज़ोर लग रहा था,
भाई के बेटे का बेटा, भतीजे का बेटा ये नहीं है। तो आप लोगों ने हमारे लिए भी काफ़ी सारी दुआ करनी है, अल्लाह पाक जो है ना हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारा चैनल जो है ना ग्रो हो जाए और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया करें। तो आप लोगों को पता है इतनी तंग सी जगह में रहते हैं और ये सामान बाहर निकाल के रखें तो बारिशों में जो है ना हमारा सामान ये जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो एक ही कमरा है, हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक इतनी कुर्सा दे कि मैं जो हूँ ना बाहर जो ये या बरामदा बनवा लूँ, कि अल्लाह पाक मुझे इतनी फुर्सत है, ये दीवारें जो है ना तीन कमरे की हैं, चौथी दीवार तोड़ के ये कमरा वगैरह बना लें, तो छत भी इसकी अच्छी हो जाए। और रात को कभी कभी डर लगता है, एकदम ऊपर से जो है ना गिरते हैं हमारे मुंह पे आँख में आके लगती है जोर से। और काफ़ी सारे लोग में भी मैंने शेयर किया है ये जो सरिये जो है ना बिल्कुल ही नज़र आ रहे हैं और किचन की भी छत बिल्कुल ही खस्ता हो रही है। तो आप बहन भाई की सपोर्ट से ही आगे जा सकते हैं, नहीं तो आपको पता है दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह या खाना खाएं या दवाइयाँ खाएं इससे आगे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। तो जितने मेरे प्यारे बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ आगे आगे लिंक शेयर कर दिया करें, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा में, टीमो में, हर जगह शेयर कर दिया करें ताकि हमारा चैनल जो है ना ग्रो हो जाए, कामयाब हो जाए। तो अपने बहन भाइयों से जो है ना मैं चाहूँगा ज़्यादा कल मिलूँगा ना, एक तो पता नहीं दिमागी वजह से जबान भी बिल्कुल सलने लगती है, वीकनेस किए जाते हैं। तो ज़्यादा चाहूँगा कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।